हेलो फ्रेंड, मजर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे सिंपल एंड इजी निक डिजाइन, जो कि बिगनर के लिए है स्पेशली। फ्रेंड, तो हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को ले लिया है और ये डबल है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो डबल को हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, के हम पेपर पेस्टिंग की लंबाई और चौड़ाई बता दें। तो फ्रेंड, हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है फ्रेंड, वो 8 इंची लिया है, ये 4, तो ये डबल है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 9 इंची लिया है। तो इस तरह से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है फ्रेंड, के निक का हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे ब्रॉडनेस है फ्रेंड, वो 6 इंची है, तो हम 3 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। आप ब्रॉडनेस अपने अनुसार रख लेंगे। अब हम निक का डिप रखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे निक का डिप है फ्रेंड, वो 6 इंची है, तो 6 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद, अब हमने ऊपर में जितना ब्रॉडनेस का निशान लगाया था, तो हम नीचे में भी उतने ही ब्रॉडनेस का निशान लगा देंगे। अब हम एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे मिला देंगे। अब हम निक का शेप देंगे। हम निशान पे निक को कटिंग कर लेंगे। तो हमने निक को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लिया है। अब हम कुर्ती का कपड़ा में निक को चिपका देंगे। अब हम क्या करेंगे कि बाहर में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। तो हमने 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लिया है और कोना में यहाँ पे हमने कट भी लगा लिया है। तो इसी तरह से आप भी कटिंग कर लेंगे। अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं कुर्ती में निक को कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने निक को ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाते हुए हम पूरे निक में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब निक को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से बराबर करने के बाद बीच में एक सेंटर कट लगाएंगे। कुर्ती का फ्रंट लेंगे। तो कुर्ती का फ्रंट हमने ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बीच में एक सेंटर कट लगाएंगे। सेंटर कट लगाने के बाद अब हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड, के आयरन से हमने अच्छे तरीके से सेंटर क्रीज बना लिया है। तो इसी तरह से आप भी बना लेंगे और सेंटर क्रीज पे हम चौक से इस तरह से निशान उठा लेंगे। इस तरह से निशान उठाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम निक को लेंगे। निक को लेने के बाद कुर्ती का सेंटर और निक का सेंटर, दोनों सेंटर को हम इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि सबसे पहले हम एक सेंटर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके। हम क्या करेंगे कि पेपर पेस्टिंग में सटाकर बिल्कुल हम पूरे निक में सिलाई लगाएंगे।
अब हम क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे निक को कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां राउंड है वहां वहां हम कट लगाएंगे। बाद अब हम इस तरह से पलटेंगे, बिल्कुल इस तरह से आप करेंगे और फिर इस तरह से करेंगे। इस तरह से करने के बाद आप इस तरह से पलट देंगे। बाद अब क्या करेंगे कि कैंची का नोक लेंगे और इसके अंदर डाल के आप कोना को अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी कोन भी निकाल लेंगे। कोन को निकालने के बाद अब इस तरह से निक को पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लब पे सिलाई लगाते हुए पूरे निक में चले आएंगे। हमने एक शो बटन भी टांग दिया है जिससे गले की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोस को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।